बड़ी प्यारी लड़की थी। वो साहिल समुंदर के पास एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। उसकी उम्र 10 साल थी। उसका बाप एक सरकारी मुलाजम था। सुबह सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होता और दफ्तर के लिए निकल जाया करता, जबकि उसकी माँ करीबी स्कूल में पढ़ाती थी। पिंकी अपने वालदैन की अकलौती बेटी थी। वो अक्सर माँ बाप की गैर मौजूदगी में खेलने और नहाने के लिए समुंदर के साहिल पर आ जाती और समुंदर की लहरों से खूब लुत्फ अंदोज होती। वो माँ बाप की वापसी से पहले ही घर पहुँच जाती थी, इसलिए माँ बाप को पता ही ना चलता कि पिंकी साहिल समुंदर पर खेलने चली जाती है। ये चोरी छुपे खेल का सिलसिला बड़े अरसे से जारी था। अलबत्ता छुट्टी के दिनों में पिंकी घर में पड़े बेजार हो जाती थी। शायद यही वजह थी कि उसे छुट्टी वाले दिन अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उसने अपनी माँ को ये कहते सुना कि पिंकी को स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे कई क्लासें फलांग चुके होते हैं, मगर उसका बाप पुराने जमाने का आदमी था। उसने साफ अल्फाज में मना कर दिया था, हमारे यहाँ की बेटियाँ स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, तुम वक्त निकाल कर पिंकी को घर के काम काज सिखाया करो। उसकी माँ का एहतियाज कुछ काम नहीं आया। पिंकी को स्कूल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसकी तफरी बिल्कुल खत्म होकर रह जाती। उसने अपने बाप के फैसले पर खुशी का इजहार किया और खेल कूद में खूब दिल लगा लिया। पिंकी की जिंदगी में फैसल की आमद बड़ी खुशगवार साबित हुई। वो 12 साल का खामोश तबीयत लड़का था। वो अक्सर साहिल पर बैठा रेत के साथ खेलता हुआ दिखाई देता था, या फिर कभी कभार उसके हाथ में वीडियो गेम होती जिसके बटनों पर उसकी उंगलियां थरकती रहती थी। वो कभी कभी समुद्र की लहरों में खेलते हुए पिंकी का साथ देता तो पिंकी का मजा दुबाला हो जाता। पिंकी उसकी वीडियो गेम से अक्सर चिढ़ जाती थी, क्योंकि गेम खेलते हुए वो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। दूसरा, वो बड़ा अजीब सी गेम खेलता रहता था जिसमें मार धाड़ और कत्लो गारत वाली गेम जुर्माया होती थी। पिंकी उसके बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो करीब वाले फार्म हाउस में रहता है, जहाँ पर एक बड़ा नीला तालाब मौजूद था। उसने ना तो उसके माँ बाप को देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। दो दिनों की छुट्टी के बाद पिंकी जब साहिल पर पहुंची तो उसे फैसल एक चटाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो हाथ में कुछ लिए हुए था। पिंकी उसके करीब पहुंची तो उसने पूछा कि क्या खा रहा है। फैसल ने मुंह बसोर कर कहा, ये लड़कियों के खाने वाली चीज नहीं। पिंकी ने हंस कर कहा, मैंने तुमसे मांगी थोड़ी ही है, बस वैसे ही पूछा था। फैसल ने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर दिखाई तो उसमें एक स्पंज का फैट टुकड़ा दिखाई दिया। पिंकी को समझ नहीं आया भला इस स्पंज खाने से क्या मजा मिलता होगा। खैर, वो उसे स्पंज खाता छोड़कर समुद्र के पानी की तरफ बढ़ गई। वो धीमे धीमे आने वाली पानी की लहरों से खेलने लगी। अचानक उसे अपने पाँव के करीब कोई चीज सिरकती हुई महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर इस चीज को पकड़ा और पानी से बाहर निकाल कर देखा तो वो दंग रह गई। ये एक स्पंज का टुकड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने फैसल के हाथ में कुछ देर पहले देखा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फैसल अपनी चटाई पर बैठा वीडियो गेम खेलता हुआ दिखाई दिया। स्पंज का टुकड़ा हाथ में था और दिलो दिमाग में उसके जायके का तजस्सुस। उसने स्पंज का टुकड़ा मुंह के करीब किया और जबान लगाकर उसे चखा। वो हैरान रह गई, स्पंज का टुकड़ा शहद की तरह मीठा था। उसने पल के लिए सोचा कि फैसल यकीनन समुद्र में से ये टुकड़े निकालकर जमा करता होगा और फिर चटाई पर बैठकर उसको खाता होगा। उसने सोचे समझे बगैर स्पंज का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वो उसे चबाने लगी। स्पंज की मिठास उसकी हल्क से उतरती चली गई और पानी वाली लहरों में खेलने का मजा बढ़ता चला गया। अचानक फैसल उसके करीब पहुंच गया। उसने उसकी तरफ देखा कि पूछा, तुम क्या खा रही हो। पिंकी ने हंसकर स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर उसे दिखाया। ये देखकर फैसल के चेहरे पर अजीब सी हालत हो गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं, तो फिर तुमने इसे क्यों खाया। फैसल ने नाराज होते हुए उसे कहा, ये कमाल का मीठा है। पिंकी ने चटकारा लेते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारा चेला नीला होता जा रहा है। फैसल ने अचानक उसकी तरफ देखते हुए कहा। पिंकी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। अब तुम मुझे डराने के लिए मजाक पर उतर आए हो। पिंकी ने लापरवाही में बात टाल दी। फैसल ने झूठ नहीं कहा था। वाकई पिंकी का चेहरा नीले रंग का होने लगा था। उसके होंठ गाल और थोड़ी गहरे नीले रंग की हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर रोगन कर दिया हो। नीली रंगत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और पिंकी उससे बेखबर स्पंज का टुकड़ा चिंगम की तरह चबाने में मसरूफ थी। पिंकी को उसकी बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके बाजू और हाथ नीले हो गए। पिंकी ये देखकर खौफज़दा हो गई और उसने डर के मारे स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर पानी में वापस फेंक दिया
उसने फैसल की तरफ देखा कि वो कुछ करे, मगर फैसल खामोश खड़ा उसके जिस्म में होने वाले तगैर को देख रहा था। देखते ही देखते उसका सारा बदन गहरा नीला हो गया, वो अजीब सी मखलूक दिखाई देने लगी। पिंकी अपनी रंगत पर परेशान थी, मगर जब दूसरी तब्दीली उसके जिस्म में पैदा हुई तो उसकी चीखें निकल गईं। उसके बदन में हवा भरने लगी थी, वो फूलना शुरू हो गई थी, पिंडलियां और टांगे फूलकर बड़ी हो गई थी। अगले लम्हे में उसके बाजू में भी हवा भरने लगी। पिंकी अब बुरी तरह से रो रही थी, मगर फैसल कोई मदद करने पर आमादा नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर शायद उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी क्या मदद की जाए। शायद समुद्र पर पानी की लहरों के शोर के अलावा और कुछ नहीं था, ना कोई आदमी था, ना ही कोई और बच्चा वहां पर मौजूद था। वो दोनों इस वक्त अकेले थे। जब पिंकी के पेट में हवा भरने लगी तो वह शदीद तकलीफ से चीखने लगी, पेट फूलता चला गया और उसका पेट बहुत बड़ा हो गया। पिंकी चीख रही थी, मगर वो खुद में भरने वाली हवा को रोक नहीं पा रही थी। ये हवा कहां से आ रही थी उसके जिस्म में, इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था और ना ही कोई जानता था। 20 मिनट बाद पिंकी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी, उसके जिस्म में हवा भर चुकी थी और वो बड़े गुब्बारे की मानद दिखाई दे रही थी। उसकी टांगे चीर चुकी थी और पांव बड़े गुब्बारे के दाएं और बाएं किनारों पर दिखाई दे रहे थे। वो अपने कद से 10 गुना बड़े गुब्बारे नुमा गेंद में बदल चुकी थी। उसके बाजू और टांगे गेंद का हिस्सा बनकर गुम हो चुके थे। और कोई इसे इस हालत में देख लेता तो यकीनन उसे इंसान नहीं कहता, कोई और ही मखलूक समझता। हवा भरने का अमल रुका नहीं, मगर उसकी रफ्तार में कुछ कमी पैदा हो गई थी। फैसल कुछ तो करो, खुदा के लिए कुछ तो करो, पिंकी गिड़गिड़ाकर बोली। फैसल के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाया और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारी अब कोई मदद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तुम तनहा समुद्र पर खेलने आती हो और अपने वालदैन को धोखे में रखती हो। तुम जैसी नासमझ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पिंकी ने मिन्नत समाजत की, मगर फैसल ने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद वो हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ला इल्मी में मारी जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो असमझ मेरा ही था, जिसे तुमने खाया था उसे मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे पास फेंका था, ताकि तुम उसे पाकर खा जाओ। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहता। ये असफंज एक मखसूस केमिकल में भीगा हुआ था, जो हरारत मिलने पर भारी मकदार में हवा पैदा करता है। इसे काम करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद हरारत काफी होती है, यही वजह है कि तुम्हारा जिस्म फूल कर कुप्पा हो गया है। फैसल, तुम शायद मजाक कर रहे हो, बराए करम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ इतने दिनों से खेलती आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करोगे, पिंकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। हवा का दबाव बढ़ रहा था, पिंकी के अंग अंग में ठेसे उठ रही थी, वो बुरी तरह किरा रही थी। फैसल जिठाई के साथ हंसा, मैं मजाक नहीं किया करता, मुझे तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो अमली लड़का हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं कर गुजरता हूँ। आवारा फिरने वाली लड़कियों को गुब्बारे बनाकर फोड़ देना मेरा मशकला है, और हाँ ये भी सुन लो, गुब्बारे बनने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो, तुमसे पहले भी कई लड़कियों को मैंने गुब्बारा बनाकर उनके साथ खूब मजा किया और फिर उन्हें फोड़ दिया। फैसल ने इधर उधर का जायजा लिया, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने गुब्बारा बनी पिंकी को धक्का दिया। पिंकी लड़खड़ाती हुई कई कदम आगे चली गई, खौफ और दहशत से उसका चेहरा फटा फटा दिखाई दे रहा था। पिंकी अब इस हालत में नहीं थी कि कोई मजामत कर पाती, वो मुकम्मल तौर पर फैसल के रहम और करम पर थी। फैसल उसे लड़खड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया, वो उसे अपने पानी वाले तालाब के पास ले आया। पिंकी दहशत भरी नजरों से ये सब कुछ देख रही थी, मगर वो कुछ भी करने से कासर थी। फैसल उसे कभी एक तरफ लड़खड़ाता और कभी दूसरी तरफ, वो बिल्कुल बच्चों की मानद गुब्बारे से खेलता रहा। ये बड़ा अजियतनाक वक्त था। पिंकी के जिस्म में हवा पैदा होने का अमल जारी था और उसका हुजम मजीद बढ़ रहा था। अगर ये अमल ना रुका तो वो यकीनन गुब्बारे की मानद फट जाती, मौत उसकी निगाहों के सामने नाच रही थी। कुछ देर बाद फैसल के मन में जाने क्या आई कि उसने वाटर टैंक का पाइप निकाला और पिंकी के में ठोंस दिया। नल खोलते ही पानी धड़ाधड़ पिंकी के गुब्बारे नमा जिस्म में भरने लगा। पिंकी की आंखें तकलीफ से उबल आईं, फिर तकलीफ बढ़ती चली गई। पिंकी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका ज़हन माऊफ होता चला गया। आखिर वही हुआ जिसके बारे में फैसल ने कहा था, पानी और हवा के दबाव से पिंकी का जिस्म चिथड़ों में बदल गया, वो मर चुकी थी। नीला गुब्बारा फट चुका था और पिंकी की मौत वाकिया हो चुकी थी। उसके जिस्म के चिथड़े तालाब के किनारों पर बिखरे हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर फैसल ने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया, आज उसने नीला गुब्बारा बनाया था और फिर खेलकर उसे फोड़ दिया था।
पिंकी बड़ी प्यारी लड़की थी। वो साहिल समुद्र के पास एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। उसकी उम्र 10 साल थी। उसका बाप एक सरकारी मुलाजम था। सुबह सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होता और दफ्तर के लिए निकल जाया करता, जबकि उसकी माँ करीबी स्कूल में पढ़ाती थी। पिंकी अपने वालदैन की अकलौती बेटी थी। वो अक्सर माँ बाप की गैर मौजूदगी में खेलने और नहाने के लिए समुद्र के साहिल पर आ जाती और समुद्र की लहरों से खूब लुत्फ अंदोज होती। वो माँ बाप की वापसी से पहले ही घर पहुँच जाती थी, इसलिए माँ बाप को पता ही ना चलता कि पिंकी साहिल समुद्र पर खेलने चली जाती है। ये चोरी छुपे खेल का सिलसिला बड़े अरसे से जारी था। अलबत्ता छुट्टी के दिनों में पिंकी घर में पड़े बेजार हो जाती थी। शायद यही वजह थी कि उसे छुट्टी वाले दिन अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उसने अपनी माँ को ये कहते सुना कि पिंकी को स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे कई क्लासें फलांग चुके होते हैं, मगर उसका बाप पुराने जमाने का आदमी था। उसने साफ अल्फाज में मना कर दिया था, हमारे यहाँ की बेटियाँ स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, तुम वक्त निकाल कर पिंकी को घर के काम काज सिखाया करो। उसकी माँ का एहतियाज कुछ काम नहीं आया। पिंकी को स्कूल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसकी तफरी बिल्कुल खत्म होकर रह जाती। उसने अपने बाप के फैसले पर खुशी का इजहार किया और खेल कूद में खूब दिल लगा लिया। पिंकी की जिंदगी में फैसल की आमद बड़ी खुशगवार साबित हुई। वो 12 साल का खामोश तबे लड़का था। वो अक्सर साहिल पर बैठा रेत के साथ खेलता हुआ दिखाई देता था, या फिर कभी कभार उसके हाथ में वीडियो गेम होती जिसके बटनों पर उसकी उंगलियां थरकती रहती थी। वो कभी कभी समुद्र की लहरों में खेलते हुए पिंकी का साथ देता तो पिंकी का मजा दुबाला हो जाता। पिंकी उसकी वीडियो गेम से अक्सर चिढ़ जाती थी, क्योंकि गेम खेलते हुए वो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। दूसरा, वो बड़ा अजीब सी गेम खेलता रहता था जिसमें मार धाड़ और कत्लो गारत वाली गेम जुर्माया होती थी। पिंकी उसके बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो करीब वाले फार्म हाउस में रहता है, जहाँ पर एक बड़ा नीला तालाब मौजूद था। उसने ना तो उसके माँ बाप को देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। दो दिनों की छुट्टी के बाद पिंकी जब साहिल पर पहुंची तो उसे फैसल एक चटाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो हाथ में कुछ लिए हुए था। पिंकी उसके करीब पहुंची तो उसने पूछा कि क्या खा रहा है। फैसल ने मुंह बसोर कर कहा, ये लड़कियों के खाने वाली चीज नहीं। पिंकी ने हंस कर कहा, मैंने तुमसे मांगी थोड़ी ही है, बस वैसे ही पूछा था। फैसल ने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर दिखाई तो उसमें एक स्पंज का फैट टुकड़ा दिखाई दिया। पिंकी को समय नहीं आया भला इस स्पंज खाने से क्या मजा मिलता होगा। खैर, वो उसे स्पंज खाता छोड़कर समुद्र के पानी की तरफ बढ़ गई। वो धीमे धीमे आने वाली पानी की लहरों से खेलने लगी। अचानक उसे अपने पाँव के करीब कोई चीज सिरकती हुई महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर इस चीज को पकड़ा और पानी से बाहर निकाल कर देखा तो वो दंग रह गई। ये एक स्पंज का टुकड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने फैसल के हाथ में कुछ देर पहले देखा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फैसल अपनी चटाई पर बैठा वीडियो गेम खेलता हुआ दिखाई दिया। स्पंज का टुकड़ा हाथ में था और दिलो दिमाग में उसके जायके का तजस्सुस। उसने स्पंज का टुकड़ा मुंह के करीब किया और जबान लगाकर उसे चखा। वो हैरान रह गई, स्पंज का टुकड़ा शहद की तरह मीठा था। उसने पल के लिए सोचा कि फैसल यकीनन समुद्र में से ये टुकड़े निकालकर जमा करता होगा और फिर चटाई पर बैठकर उसको खाता होगा। उसने सोचे समझे बगैर स्पंज का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वो उसे चबाने लगी। स्पंज की मिठास उसकी हल्क से उतरती चली गई और पानी वाली लहरों में खेलने का मजा बढ़ता चला गया। अचानक फैसल उसके करीब पहुंच गया। उसने उसकी तरफ देखा कि पूछा, तुम क्या खा रही हो। पिंकी ने हंसकर स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर उसे दिखाया। ये देखकर फैसल के चेहरे पर अजीब सी हालत हो गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं, तो फिर तुमने इसे क्यों खाया। फैसल ने नाराज होते हुए उसे कहा, ये कमाल का मीठा है। पिंकी ने चटकारा लेते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारा चेला नीला होता जा रहा है। फैसल ने अचानक उसकी तरफ देखते हुए कहा। पिंकी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। अब तुम मुझे डराने के लिए मजाक पर उतर आए हो, पिंकी ने लापरवाही में बात टाल दी। फैसल ने झूठ नहीं कहा था, वाकई पिंकी का चेहरा नीले रंग का होने लगा था। उसके होंठ गाल और थोड़ी गहरे नीले रंग की हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर रोगन कर दिया हो। नीली रंगत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और पिंकी उससे बेखबर स्पंज का टुकड़ा चिंगम की तरह चबाने में मसरूफ थी। पिंकी को उसकी बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके बाजू और हाथ नीले हो गए। पिंकी यह देखकर खौफजदा हो गई और उसने डर के मारे स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर पानी में वापस फेंक दिया
उसने फैसल की तरफ देखा कि वो कुछ करे, मगर फैसल खामोश खड़ा उसके जिस्म में होने वाले तगैर को देख रहा था। देखते ही देखते उसका सारा बदन गहरा नीला हो गया, वो अजीब सी मखलूक दिखाई देने लगी। पिंकी अपनी रंगत पर परेशान थी, मगर जब दूसरी तब्दीली उसके जिस्म में पैदा हुई तो उसकी चीखें निकल गईं। उसके बदन में हवा भरने लगी थी, वो फूलना शुरू हो गई थी, पिंडलियां और टांगे फूलकर बड़ी हो गई थी। अगले लम्हे में उसके बाजू में भी हवा भरने लगी। पिंकी अब बुरी तरह से रो रही थी, मगर फैसल कोई मदद करने पर आमादा नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर शायद उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी क्या मदद की जाए। शायद समुद्र पर पानी की लहरों के शोर के अलावा और कुछ नहीं था, ना कोई आदमी था, ना ही कोई और बच्चा वहां पर मौजूद था। वो दोनों इस वक्त अकेले थे। जब पिंकी के पेट में हवा भरने लगी तो वह शदीद तकलीफ से चीखने लगी, पेट फूलता चला गया और उसका पेट बहुत बड़ा हो गया। पिंकी चीख रही थी, मगर वो खुद में भरने वाली हवा को रोक नहीं पा रही थी। ये हवा कहां से आ रही थी उसके जिस्म में, इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था और ना ही कोई जानता था। 20 मिनट बाद पिंकी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी, उसके जिस्म में हवा भर चुकी थी और वो बड़े गुब्बारे की मानंद दिखाई दे रही थी। उसकी टांगे चीर चुकी थी और पांव बड़े गुब्बारे के दाएं और बाएं किनारों पर दिखाई दे रहे थे। वो अपने कद से 10 गुना बड़े गुब्बारे नुमा गेंद में बदल चुकी थी। उसके बाजू और टांगे गेंद का हिस्सा बनकर गुम हो चुके थे। और कोई इसे इस हालत में देख लेता तो यकीनन उसे इंसान नहीं कहता, कोई और ही मखलूक समझता। हवा भरने का अमल रुका नहीं, मगर उसकी रफ्तार में कुछ कमी पैदा हो गई थी। फैसल कुछ तो करो, खुदा के लिए कुछ तो करो, पिंकी गिड़गिड़ाकर बोली। फैसल के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाया और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारी अब कोई मदद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तुम तनहा समुद्र पर खेलने आती हो और अपने वालदैन को धोखे में रखती हो। तुम जैसी नासमझ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पिंकी ने मिन्नत समाजत की, मगर फैसल ने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद वो हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ला इल्मी में मारी जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो असमझ मेरा ही था, जिसे तुमने खाया था उसे मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे पास फेंका था, ताकि तुम उसे पाकर खा जाओ। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहता। ये असफंज एक मखसूस केमिकल में भीगा हुआ था, जो हरारत मिलने पर भारी मकदार में हवा पैदा करता है। इसे काम करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद हरारत काफी होती है, यही वजह है कि तुम्हारा जिस्म फूल कर कुप्पा हो गया है। फैसल, तुम शायद मजाक कर रहे हो, बराए करम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ इतने दिनों से खेलती आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करोगे, पिंकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। हवा का दबाव बढ़ रहा था, पिंकी के अंग अंग में ठेसे उठ रही थी, वो बुरी तरह किरा रही थी। फैसल जिठाई के साथ हंसा, मैं मजाक नहीं किया करता, मुझे तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो अमली लड़का हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं कर गुजरता हूँ। आवारा फिरने वाली लड़कियों को गुब्बारे बनाकर फोड़ देना मेरा मशकला है, और हाँ ये भी सुन लो, गुब्बारे बनने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो, तुमसे पहले भी कई लड़कियों को मैंने गुब्बारा बनाकर उनके साथ खूब मजा किया और फिर उन्हें फोड़ दिया। फैसल ने इधर उधर का जायजा लिया, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने गुब्बारा बनी पिंकी को धक्का दिया। पिंकी लड़खड़ाती हुई कई कदम आगे चली गई, खौफ और दहशत से उसका चेहरा फटा फटा दिखाई दे रहा था। पिंकी अब इस हालत में नहीं थी कि कोई मजामत कर पाती, वो मुकम्मल तौर पर फैसल के रहम और करम पर थी। फैसल उसे लड़खड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया, वो उसे अपने पानी वाले तालाब के पास ले आया। पिंकी दहशत भरी नजरों से ये सब कुछ देख रही थी, मगर वो कुछ भी करने से कासर थी। फैसल उसे कभी एक तरफ लड़खड़ाता और कभी दूसरी तरफ, वो बिल्कुल बच्चों की मानंद गुब्बारे से खेलता रहा। ये बड़ा अजियतनाक वक्त था। पिंकी के जिस्म में हवा पैदा होने का अमल जारी था और उसका हुजम मजीद बढ़ रहा था। अगर ये अमल ना रुका तो वो यकीनन गुब्बारे की मानंद फट जाती, मौत उसकी निगाहों के सामने नाच रही थी। कुछ देर बाद फैसल के मन में जाने क्या आई कि उसने वाटर टैंक का पाइप निकाला और पिंकी के में ठोंस दिया। नल खोलते ही पानी धड़ाधड़ पिंकी के गुब्बारे नमा जिस्म में भरने लगा। पिंकी की आंखें तकलीफ से उबल आईं, फिर तकलीफ बढ़ती चली गई। पिंकी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका ज़हन माउफ होता चला गया। आखिर वही हुआ जिसके बारे में फैसल ने कहा था, पानी और हवा के दबाव से पिंकी का जिस्म चिथड़ों में बदल गया, वो मर चुकी थी। नीला गुब्बारा फट चुका था और पिंकी की मौत वाकया हो चुकी थी। उसके जिस्म के चिथड़े तालाब के किनारों पर बिखरे हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर फैसल ने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया, आज उसने नीला गुब्बारा बनाया था और फिर खेलकर उसे फोड़ दिया था।
पिंकी बड़ी प्यारी लड़की थी। वो साहिल समुंदर के पास एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। उसकी उम्र 10 साल थी। उसका बाप एक सरकारी मुलाजम था। सुबह सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होता और दफ्तर के लिए निकल जाया करता, जबकि उसकी माँ करीबी स्कूल में पढ़ाती थी। पिंकी अपने वालदैन की अकलौती बेटी थी। वो अक्सर माँ बाप की गैर मौजूदगी में खेलने और नहाने के लिए समुंदर के साहिल पर आ जाती और समुंदर की लहरों से खूब लुत्फ अंदोज होती। वो माँ बाप की वापसी से पहले ही घर पहुँच जाती थी, इसलिए माँ बाप को पता ही ना चलता कि पिंकी साहिल समुंदर पर खेलने चली जाती है। ये चोरी छुपे खेल का सिलसिला बड़े अरसे से जारी था। अलबत्ता छुट्टी के दिनों में पिंकी घर में पड़े बेजार हो जाती थी। शायद यही वजह थी कि उसे छुट्टी वाले दिन अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उसने अपनी माँ को ये कहते सुना कि पिंकी को स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे कई क्लासें फलांग चुके होते हैं, मगर उसका बाप पुराने जमाने का आदमी था। उसने साफ अल्फाज में मना कर दिया था, हमारे यहाँ की बेटियाँ स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, तुम वक्त निकाल कर पिंकी को घर के काम काज सिखाया करो। उसकी माँ का एहतियाज कुछ काम नहीं आया। पिंकी को स्कूल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसकी तफरी बिल्कुल खत्म होकर रह जाती। उसने अपने बाप के फैसले पर खुशी का इजहार किया और खेल कूद में खूब दिल लगा लिया। पिंकी की जिंदगी में फैसल की आमद बड़ी खुशगवार साबित हुई। वो 12 साल का खामोश तबीयत लड़का था। वो अक्सर साहिल पर बैठा रेत के साथ खेलता हुआ दिखाई देता था, या फिर कभी कभार उसके हाथ में वीडियो गेम होती जिसके बटनों पर उसकी उंगलियां थरकती रहती थी। वो कभी कभी समुद्र की लहरों में खेलते हुए पिंकी का साथ देता तो पिंकी का मजा दुबाला हो जाता। पिंकी उसकी वीडियो गेम से अक्सर चिढ़ जाती थी, क्योंकि गेम खेलते हुए वो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। दूसरा, वो बड़ा अजीब सी गेम खेलता रहता था जिसमें मार धाड़ और कत्लो गारत वाली गेम जुर्माया होती थी। पिंकी उसके बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो करीब वाले फार्म हाउस में रहता है, जहाँ पर एक बड़ा नीला तालाब मौजूद था। उसने ना तो उसके माँ बाप को देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। दो दिनों की छुट्टी के बाद पिंकी जब साहिल पर पहुंची तो उसे फैसल एक चटाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो हाथ में कुछ लिए हुए था। पिंकी उसके करीब पहुंची तो उसने पूछा कि क्या खा रहा है। फैसल ने मुंह बसोर कर कहा, ये लड़कियों के खाने वाली चीज नहीं। पिंकी ने हंस कर कहा, मैंने तुमसे मांगी थोड़ी ही है, बस वैसे ही पूछा था। फैसल ने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर दिखाई तो उसमें एक स्पंज का फैट टुकड़ा दिखाई दिया। पिंकी को समझ नहीं आया भला इस स्पंज खाने से क्या मजा मिलता होगा। खैर, वो उसे स्पंज खाता छोड़कर समुंदर के पानी की तरफ बढ़ गई। वो धीमे धीमे आने वाली पानी की लहरों से खेलने लगी। अचानक उसे अपने पाँव के करीब कोई चीज सिरकती हुई महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर इस चीज को पकड़ा और पानी से बाहर निकाल कर देखा तो वो दंग रह गई। ये एक स्पंज का टुकड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने फैसल के हाथ में कुछ देर पहले देखा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फैसल अपनी चटाई पर बैठा वीडियो गेम खेलता हुआ दिखाई दिया। स्पंज का टुकड़ा हाथ में था और दिलो दिमाग में उसके जायके का तजस्सुस। उसने स्पंज का टुकड़ा मुंह के करीब किया और जबान लगाकर उसे चखा। वो हैरान रह गई, स्पंज का टुकड़ा शहद की तरह मीठा था। उसने पल के लिए सोचा कि फैसल यकीनन समुद्र में से ये टुकड़े निकालकर जमा करता होगा और फिर चटाई पर बैठकर उसको खाता होगा। उसने सोचे समझे बगैर स्पंज का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वो उसे चबाने लगी। स्पंज की मिठास उसकी हल्क से उतरती चली गई और पानी वाली लहरों में खेलने का मजा बढ़ता चला गया। अचानक फैसल उसके करीब पहुंच गया। उसने उसकी तरफ देखा कि पूछा, तुम क्या खा रही हो। पिंकी ने हंसकर स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर उसे दिखाया। ये देखकर फैसल के चेहरे पर अजीब सी हालत हो गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं, तो फिर तुमने इसे क्यों खाया। फैसल ने नाराज होते हुए उसे कहा, ये कमाल का मीठा है। पिंकी ने चटकारा लेते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारा चेला नीला होता जा रहा है। फैसल ने अचानक उसकी तरफ देखते हुए कहा। पिंकी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। अब तुम मुझे डराने के लिए मजाक पर उतर आए हो, पिंकी ने लापरवाही में बात टाल दी। फैसल ने झूठ नहीं कहा था, वाकई पिंकी का चेहरा नीले रंग का होने लगा था। उसके होंठ गाल और थोड़ी गहरे नीले रंग की हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर रोगन कर दिया हो। नीली रंगत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और पिंकी उससे बेखबर स्पंज का टुकड़ा चिंगम की तरह चबाने में मसरूफ थी। पिंकी को उसकी बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके बाजू और हाथ नीले हो गए। पिंकी ये देखकर खौफज़दा हो गई और उसने डर के मारे स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर पानी में वापस फेंक दिया
उसने फैसल की तरफ देखा कि वो कुछ करे, मगर फैसल खामोश खड़ा उसके जिस्म में होने वाले तगैयर को देख रहा था। देखते ही देखते उसका सारा बदन गहरा नीला हो गया, वो अजीब सी मखलूक दिखाई देने लगी। पिंकी अपनी रंगत पर परेशान थी, मगर जब दूसरी तब्दीली उसके जिस्म में पैदा हुई तो उसकी चीखें निकल गईं। उसके बदन में हवा भरने लगी थी, वो फूलना शुरू हो गई थी, पिंडलियां और टांगे फूलकर बड़ी हो गई थी। अगले लम्हे में उसके बाजू में भी हवा भरने लगी। पिंकी अब बुरी तरह से रो रही थी, मगर फैसल कोई मदद करने पर आमादा नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर शायद उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी क्या मदद की जाए। शायद समुद्र पर पानी की लहरों के शोर के अलावा और कुछ नहीं था, ना कोई आदमी था, ना ही कोई और बच्चा वहां पर मौजूद था। वो दोनों इस वक्त अकेले थे। जब पिंकी के पेट में हवा भरने लगी तो वह शदीद तकलीफ से चीखने लगी, पेट फूलता चला गया और उसका पेट बहुत बड़ा हो गया। पिंकी चीख रही थी, मगर वो खुद में भरने वाली हवा को रोक नहीं पा रही थी। ये हवा कहां से आ रही थी उसके जिस्म में, इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था और ना ही कोई जानता था। 20 मिनट बाद पिंकी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी, उसके जिस्म में हवा भर चुकी थी और वो बड़े गुब्बारे की मानंद दिखाई दे रही थी। उसकी टांगे चीर चुकी थी और पांव बड़े गुब्बारे के दाएं और बाएं किनारों पर दिखाई दे रहे थे। वो अपने कद से 10 गुना बड़े गुब्बारे नुमा गेंद में बदल चुकी थी। उसके बाजू और टांगे गेंद का हिस्सा बनकर गुम हो चुके थे। और कोई इसे इस हालत में देख लेता तो यकीनन उसे इंसान नहीं कहता, कोई और ही मखलूक समझता। हवा भरने का अमल रुका नहीं, मगर उसकी रफ्तार में कुछ कमी पैदा हो गई थी। फैसल कुछ तो करो, खुदा के लिए कुछ तो करो, पिंकी गिड़गिड़ाकर बोली। फैसल के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाया और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारी अब कोई मदद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तुम तनहा समुद्र पर खेलने आती हो और अपने वालदैन को धोखे में रखती हो। तुम जैसी नासमझ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पिंकी ने मिन्नत समाजत की, मगर फैसल ने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद वो हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ला इल्मी में मारी जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो असमझ मेरा ही था, जिसे तुमने खाया था उसे मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे पास फेंका था, ताकि तुम उसे पाकर खा जाओ। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहता। ये असफंज एक मखसूस केमिकल में भीगा हुआ था, जो हरारत मिलने पर भारी मकदार में हवा पैदा करता है। इसे काम करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद हरारत काफी होती है, यही वजह है कि तुम्हारा जिस्म फूल कर कुप्पा हो गया है। फैसल, तुम शायद मजाक कर रहे हो, बराए करम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ इतने दिनों से खेलती आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करोगे, पिंकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। हवा का दबाव बढ़ रहा था, पिंकी के अंग अंग में ठेसे उठ रही थी, वो बुरी तरह किरा रही थी। फैसल जिठाई के साथ हंसा, मैं मजाक नहीं किया करता, मुझे तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो अमली लड़का हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं कर गुजरता हूँ। आवारा फिरने वाली लड़कियों को गुब्बारे बनाकर फोड़ देना मेरा मशकला है, और हाँ ये भी सुन लो, गुब्बारे बनने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो, तुमसे पहले भी कई लड़कियों को मैंने गुब्बारा बनाकर उनके साथ खूब मजा किया और फिर उन्हें फोड़ दिया। फैसल ने इधर उधर का जायजा लिया, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने गुब्बारा बनी पिंकी को धक्का दिया। पिंकी लड़खड़ाती हुई कई कदम आगे चली गई, खौफ और दहशत से उसका चेहरा फटा फटा दिखाई दे रहा था। पिंकी अब इस हालत में नहीं थी कि कोई मजामत कर पाती, वो मुकम्मल तौर पर फैसल के रहम और करम पर थी। फैसल उसे लड़खड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया, वो उसे अपने पानी वाले तालाब के पास ले आया। पिंकी दहशत भरी नजरों से ये सब कुछ देख रही थी, मगर वो कुछ भी करने से कासर थी। फैसल उसे कभी एक तरफ लड़खड़ाता और कभी दूसरी तरफ, वो बिल्कुल बच्चों की मानंद गुब्बारे से खेलता रहा। ये बड़ा अजियतनाक वक्त था। पिंकी के जिस्म में हवा पैदा होने का अमल जारी था और उसका हुजम मजीद बढ़ रहा था। अगर ये अमल ना रुका तो वो यकीनन गुब्बारे की मानंद फट जाती, मौत उसकी निगाहों के सामने नाच रही थी। कुछ देर बाद फैसल के मन में जाने क्या आई कि उसने वाटर टैंक का पाइप निकाला और पिंकी के में ठोंस दिया। नल खोलते ही पानी धड़ाधड़ पिंकी के गुब्बारे नमा जिस्म में भरने लगा। पिंकी की आंखें तकलीफ से उबल आईं, फिर तकलीफ बढ़ती चली गई। पिंकी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका ज़हन माउफ होता चला गया। आखिर वही हुआ जिसके बारे में फैसल ने कहा था, पानी और हवा के दबाव से पिंकी का जिस्म चिथड़ों में बदल गया, वो मर चुकी थी। नीला गुब्बारा फट चुका था और पिंकी की मौत वाकया हो चुकी थी। उसके जिस्म के चिथड़े तालाब के किनारों पर बिखरे हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर फैसल ने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया, आज उसने नीला गुब्बारा बनाया था और फिर खेलकर उसे फोड़ दिया था।
पिंकी बड़ी प्यारी लड़की थी। वो साहिल समुद्र के पास एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। उसकी उम्र 10 साल थी। उसका बाप एक सरकारी मुलाजम था। सुबह सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होता और दफ्तर के लिए निकल जाया करता, जबकि उसकी माँ करीबी स्कूल में पढ़ाती थी। पिंकी अपने वालदैन की अकलौती बेटी थी। वो अक्सर माँ बाप की गैर मौजूदगी में खेलने और नहाने के लिए समुद्र के साहिल पर आ जाती और समुद्र की लहरों से खूब लुत्फ अंदोज होती। वो माँ बाप की वापसी से पहले ही घर पहुँच जाती थी, इसलिए माँ बाप को पता ही ना चलता कि पिंकी साहिल समुद्र पर खेलने चली जाती है। ये चोरी छुपे खेल का सिलसिला बड़े अरसे से जारी था। अलबत्ता छुट्टी के दिनों में पिंकी घर में पड़े बेजार हो जाती थी। शायद यही वजह थी कि उसे छुट्टी वाले दिन अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उसने अपनी माँ को ये कहते सुना कि पिंकी को स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे कई क्लासें फलांग चुके होते हैं, मगर उसका बाप पुराने जमाने का आदमी था। उसने साफ अल्फाज में मना कर दिया था, हमारे यहाँ की बेटियाँ स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, तुम वक्त निकाल कर पिंकी को घर के काम काज सिखाया करो। उसकी माँ का एहतियाज कुछ काम नहीं आया। पिंकी को स्कूल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसकी तफरी बिल्कुल खत्म होकर रह जाती। उसने अपने बाप के फैसले पर खुशी का इजहार किया और खेल कूद में खूब दिल लगा लिया। पिंकी की जिंदगी में फैसल की आमद बड़ी खुशगवार साबित हुई। वो 12 साल का खामोश तबीयत लड़का था। वो अक्सर साहिल पर बैठा रेत के साथ खेलता हुआ दिखाई देता था, या फिर कभी कभार उसके हाथ में वीडियो गेम होती जिसके बटनों पर उसकी उंगलियां थरकती रहती थी। वो कभी कभी समुद्र की लहरों में खेलते हुए पिंकी का साथ देता तो पिंकी का मजा दुबाला हो जाता। पिंकी उसकी वीडियो गेम से अक्सर चिढ़ जाती थी, क्योंकि गेम खेलते हुए वो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। दूसरा, वो बड़ा अजीब सी गेम खेलता रहता था जिसमें मार धाड़ और कत्लो गारत वाली गेम जुर्माया होती थी। पिंकी उसके बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो करीब वाले फार्म हाउस में रहता है, जहाँ पर एक बड़ा नीला तालाब मौजूद था। उसने ना तो उसके माँ बाप को देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। दो दिनों की छुट्टी के बाद पिंकी जब साहिल पर पहुंची तो उसे फैसल एक चटाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो हाथ में कुछ लिए हुए था। पिंकी उसके करीब पहुंची तो उसने पूछा कि क्या खा रहा है। फैसल ने मुंह बसोर कर कहा, ये लड़कियों के खाने वाली चीज नहीं। पिंकी ने हंस कर कहा, मैंने तुमसे मांगी थोड़ी ही है, बस वैसे ही पूछा था। फैसल ने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर दिखाई तो उसमें एक स्पंज का फैट टुकड़ा दिखाई दिया। पिंकी को समझ नहीं आया भला इस स्पंज खाने से क्या मजा मिलता होगा। खैर, वो उसे स्पंज खाता छोड़कर समुद्र के पानी की तरफ बढ़ गई। वो धीमे धीमे आने वाली पानी की लहरों से खेलने लगी। अचानक उसे अपने पाँव के करीब कोई चीज सिरकती हुई महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर इस चीज को पकड़ा और पानी से बाहर निकाल कर देखा तो वो दंग रह गई। ये एक स्पंज का टुकड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने फैसल के हाथ में कुछ देर पहले देखा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फैसल अपनी चटाई पर बैठा वीडियो गेम खेलता हुआ दिखाई दिया। स्पंज का टुकड़ा हाथ में था और दिलो दिमाग में उसके जायके का तजस्सुस। उसने स्पंज का टुकड़ा मुंह के करीब किया और जबान लगाकर उसे चखा। वो हैरान रह गई, स्पंज का टुकड़ा शहद की तरह मीठा था। उसने पल के लिए सोचा कि फैसल यकीनन समुद्र में से ये टुकड़े निकालकर जमा करता होगा और फिर चटाई पर बैठकर उसको खाता होगा। उसने सोचे समझे बगैर स्पंज का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वो उसे चबाने लगी। स्पंज की मिठास उसकी हल्क से उतरती चली गई और पानी वाली लहरों में खेलने का मजा बढ़ता चला गया। अचानक फैसल उसके करीब पहुंच गया। उसने उसकी तरफ देखा कि पूछा, तुम क्या खा रही हो। पिंकी ने हंसकर स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर उसे दिखाया। ये देखकर फैसल के चेहरे पर अजीब सी हालत हो गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं, तो फिर तुमने इसे क्यों खाया। फैसल ने नाराज होते हुए उसे कहा, ये कमाल का मीठा है। पिंकी ने चटकारा लेते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारा चेला नीला होता जा रहा है। फैसल ने अचानक उसकी तरफ देखते हुए कहा। पिंकी उसकी बात सुनकर हंसने लगी, अब तुम मुझे डराने के लिए मजाक पर उतर आए हो। पिंकी ने लापरवाही में बात टाल दी। फैसल ने झूठ नहीं कहा था, वाकई पिंकी का चेहरा नीले रंग का होने लगा था। उसके होंठ गाल और थोड़ी गहरे नीले रंग की हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर रोगन कर दिया हो। नीली रंगत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और पिंकी उससे बेखबर स्पंज का टुकड़ा चिंगम की तरह चबाने में मसरूफ थी। पिंकी को उसकी बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके बाजू और हाथ नीले हो गए।
पिंकी यह देखकर खौफजदा हो गई और उसने डर के मारे स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर पानी में वापस फेंक दिया। उसने फैसल की तरफ देखा कि वो कुछ करे, मगर फैसल खामोश खड़ा उसके जिस्म में होने वाले तगैयर को देख रहा था। देखते ही देखते उसका सारा बदन गहरा नीला हो गया, वो अजीब सी मखलूक दिखाई देने लगी। पिंकी अपनी रंगत पर परेशान थी, मगर जब दूसरी तब्दीली उसके जिस्म में पैदा हुई तो उसकी चीखें निकल गईं। उसके बदन में हवा भरने लगी थी, वो फूलना शुरू हो गई थी, पिंडलियां और टांगे फूलकर बड़ी हो गई थी। अगले लम्हे में उसके बाजू में भी हवा भरने लगी। पिंकी अब बुरी तरह से रो रही थी, मगर फैसल कोई मदद करने पर आमादा नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर शायद उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी क्या मदद की जाए। शायद समुद्र पर पानी की लहरों के शोर के अलावा और कुछ नहीं था, ना कोई आदमी था, ना ही कोई और बच्चा वहां पर मौजूद था। वो दोनों इस वक्त अकेले थे। जब पिंकी के पेट में हवा भरने लगी तो वह शदीद तकलीफ से चीखने लगी, पेट फूलता चला गया और उसका पेट बहुत बड़ा हो गया। पिंकी चीख रही थी, मगर वो खुद में भरने वाली हवा को रोक नहीं पा रही थी। ये हवा कहां से आ रही थी उसके जिस्म में, इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था और ना ही कोई जानता था। 20 मिनट बाद पिंकी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी, उसके जिस्म में हवा भर चुकी थी और वो बड़े गुब्बारे की मानंद दिखाई दे रही थी। उसकी टांगे चीर चुकी थी और पांव बड़े गुब्बारे के दाएं और बाएं किनारों पर दिखाई दे रहे थे। वो अपने कद से 10 गुना बड़े गुब्बारे नुमा गेंद में बदल चुकी थी। उसके बाजू और टांगे गेंद का हिस्सा बनकर गुम हो चुके थे। और कोई इसे इस हालत में देख लेता तो यकीनन उसे इंसान नहीं कहता, कोई और ही मखलूक समझता। हवा भरने का अमल रुका नहीं, मगर उसकी रफ्तार में कुछ कमी पैदा हो गई थी। फैसल कुछ तो करो, खुदा के लिए कुछ तो करो, पिंकी गिड़गिड़ाकर बोली। फैसल के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाया और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारी अब कोई मदद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तुम तनहा समुंदर पर खेलने आती हो और अपने वालदैन को धोखे में रखती हो। तुम जैसी नासमझ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पिंकी ने मिन्नत समाजत की, मगर फैसल ने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद वो हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ला इल्मी में मारी जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो असमंज मेरा ही था जिसे तुमने खाया था। उसे मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे पास फेंका था ताकि तुम उसे पाकर खा जाओ, और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहता। ये असफंज एक मखसूस केमिकल में भीगा हुआ था जो हरारत मिलने पर भारी मकदार में हवा पैदा करता है। इसे काम करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद हरारत काफी होती है, यही वजह है कि तुम्हारा जिस्म फूल कर कुप्पा हो गया है। फैसल तुम शायद मजाक कर रहे हो, बराए करम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ इतने दिनों से खेलती आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करोगे, पिंकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। हवा का दबाव बढ़ रहा था, पिंकी के अंग अंग में ठेसे उठ रही थी, वो बुरी तरह किरा रही थी। फैसल जिठाई के साथ हंसा, मैं मजाक नहीं किया करता, मुझे तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो अमली लड़का हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं कर गुजरता हूँ। आवारा फिरने वाली लड़कियों को गुब्बारे बनाकर फोड़ देना मेरा मशकला है, और हाँ ये भी सुन लो, गुब्बारे बनने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो, तुमसे पहले भी कई लड़कियों को मैंने गुब्बारा बनाकर उनके साथ खूब मजा किया और फिर उन्हें फोड़ दिया। फैसल ने इधर उधर का जायजा लिया, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने गुब्बारा बनी पिंकी को धक्का दिया। पिंकी लड़खड़ाती हुई कई कदम आगे चली गई, खौफ और दहशत से उसका चेहरा फटा फटा दिखाई दे रहा था। पिंकी अब इस हालत में नहीं थी कि कोई मजामत कर पाती, वो मुकम्मल तौर पर फैसल के रहम और करम पर थी। फैसल उसे लड़खड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया, वो उसे अपने पानी वाले तालाब के पास ले आया। पिंकी दहशत भरी नजरों से ये सब कुछ देख रही थी, मगर वो कुछ भी करने से कासर थी। फैसल उसे कभी एक तरफ लड़खड़ाता और कभी दूसरी तरफ, वो बिल्कुल बच्चों की मानंद गुब्बारे से खेलता रहा। ये बड़ा अजीतनाक वक्त था। पिंकी के जिस्म में हवा पैदा होने का अमल जारी था और उसका हुजम मजीद बढ़ रहा था। अगर ये अमल ना रुका तो वो यकीनन गुब्बारे की मानंद पड़ जाती, मौत उसकी निगाहों के सामने नाच रही थी। कुछ देर बाद फैसल के मन में जाने क्या आई कि उसने वाटर टैंक का पाइप निकाला और पिंकी के में ठोंस दिया। नल खोलते ही पानी धड़ाधड़ पिंकी के गुब्बारे नमा जिस्म में भरने लगा। पिंकी की आंखें तकलीफ से उबल आईं, फिर तकलीफ बढ़ती चली गई। पिंकी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका ज़हन माऊफ होता चला गया। आखिर वही हुआ जिसके बारे में फैसल ने कहा था, पानी और हवा के दबाव से पिंकी का जिस्म चिथड़ों में बदल गया, वो मर चुकी थी। नीला गुब्बारा फट चुका था और पिंकी की मौत वाकिया हो चुकी थी। उसके जिस्म के चिथड़े तालाब के किनारों पर बिखरे हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर फैसल ने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया
आज उसने नीला गुब्बारा बनाया था और फिर खेलकर उसे फोड़ दिया था। पिंकी बड़ी प्यारी लड़की थी। वो साहिल समुंदर के पास एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। उसकी उम्र 10 साल थी। उसका बाप एक सरकारी मुलाजम था। सुबह सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होता और दफ्तर के लिए निकल जाया करता, जबकि उसकी माँ करीबी स्कूल में पढ़ाती थी। पिंकी अपने वालदैन की अकलौती बेटी थी। वो अक्सर माँ बाप की गैर मौजूदगी में खेलने और नहाने के लिए समुद्र के साहिल पर आ जाती और समुद्र की लहरों से खूब लुत्फ अंदोज होती। वो माँ बाप की वापसी से पहले ही घर पहुँच जाती थी, इसलिए माँ बाप को पता ही ना चलता कि पिंकी साहिल समुद्र पर खेलने चली जाती है। ये चोरी छुपे खेल का सिलसिला बड़े अरसे से जारी था। अलबत्ता छुट्टी के दिनों में पिंकी घर में पड़े बेजार हो जाती थी। शायद यही वजह थी कि उसे छुट्टी वाले दिन अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उसने अपनी माँ को ये कहते सुना कि पिंकी को स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे कई क्लासें फलांग चुके होते हैं, मगर उसका बाप पुराने जमाने का आदमी था। उसने साफ अल्फाज में मना कर दिया था, हमारे यहाँ की बेटियाँ स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, तुम वक्त निकाल कर पिंकी को घर के काम काज सिखाया करो। उसकी माँ का एहतियाज कुछ काम नहीं आया। पिंकी को स्कूल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसकी तफरी बिल्कुल खत्म होकर रह जाती। उसने अपने बाप के फैसले पर खुशी का इजहार किया और खेल कूद में खूब दिल लगा लिया। पिंकी की जिंदगी में फैसल की आमद बड़ी खुशगवार साबित हुई। वो 12 साल का खामोश तबीयत लड़का था। वो अक्सर साहिल पर बैठा रेत के साथ खेलता हुआ दिखाई देता था, या फिर कभी कभार उसके हाथ में वीडियो गेम होती जिसके बटनों पर उसकी उंगलियां थरकती रहती थी। वो कभी कभी समुद्र की लहरों में खेलते हुए पिंकी का साथ देता तो पिंकी का मजा दुबाला हो जाता। पिंकी उसकी वीडियो गेम से अक्सर चिढ़ जाती थी, क्योंकि गेम खेलते हुए वो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। दूसरा, वो बड़ा अजीब सी गेम खेलता रहता था जिसमें मार धाड़ और कत्लो गारत वाली गेम जुर्माया होती थी। पिंकी उसके बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो करीब वाले फार्म हाउस में रहता है, जहाँ पर एक बड़ा नीला तालाब मौजूद था। उसने ना तो उसके माँ बाप को देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। दो दिनों की छुट्टी के बाद पिंकी जब साहिल पर पहुंची तो उसे फैसल एक चटाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो हाथ में कुछ लिए हुए था। पिंकी उसके करीब पहुंची तो उसने पूछा कि क्या खा रहा है। फैसल ने मुंह बसोर कर कहा, ये लड़कियों के खाने वाली चीज नहीं। पिंकी ने हंस कर कहा, मैंने तुमसे मांगी थोड़ी ही है, बस वैसे ही पूछा था। फैसल ने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर दिखाई तो उसमें एक स्पंज का फैट टुकड़ा दिखाई दिया। पिंकी को समझ नहीं आया भला इस स्पंज खाने से क्या मजा मिलता होगा। खैर, वो उसे स्पंज खाता छोड़कर समुद्र के पानी की तरफ बढ़ गई। वो धीमे धीमे आने वाली पानी की लहरों से खेलने लगी। अचानक उसे अपने पाँव के करीब कोई चीज सिरकती हुई महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर इस चीज को पकड़ा और पानी से बाहर निकाल कर देखा तो वो दंग रह गई। ये एक स्पंज का टुकड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने फैसल के हाथ में कुछ देर पहले देखा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फैसल अपनी चटाई पर बैठा वीडियो गेम खेलता हुआ दिखाई दिया। स्पंज का टुकड़ा हाथ में था और दिलो दिमाग में उसके जायके का तजस्सुस। उसने स्पंज का टुकड़ा मुंह के करीब किया और जबान लगाकर उसे चखा। वो हैरान रह गई, स्पंज का टुकड़ा शहद की तरह मीठा था। उसने पल के लिए सोचा कि फैसल यकीनन समुद्र में से ये टुकड़े निकालकर जमा करता होगा और फिर चटाई पर बैठकर उसको खाता होगा। उसने सोचे समझे बगैर स्पंज का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वो उसे चबाने लगी। स्पंज की मिठास उसकी हल्क से उतरती चली गई और पानी वाली लहरों में खेलने का मजा बढ़ता चला गया। अचानक फैसल उसके करीब पहुंच गया। उसने उसकी तरफ देखा कि पूछा, तुम क्या खा रही हो। पिंकी ने हंसकर स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर उसे दिखाया। ये देखकर फैसल के चेहरे पर अजीब सी हालत हो गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं, तो फिर तुमने इसे क्यों खाया। फैसल ने नाराज होते हुए उसे कहा, ये कमाल का मीठा है। पिंकी ने चटकारा लेते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारा चेला नीला होता जा रहा है। फैसल ने अचानक उसकी तरफ देखते हुए कहा। पिंकी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। अब तुम मुझे डराने के लिए मजाक पर उतर आए हो, पिंकी ने लापरवाही में बात टाल दी। फैसल ने झूठ नहीं कहा था, वाकई पिंकी का चेहरा नीले रंग का होने लगा था। उसके होंठ गाल और थोड़ी गहरे नीले रंग की हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर रोगन कर दिया हो। नीली रंगत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और पिंकी उससे बेखबर
स्पंज का टुकड़ा चिंगम की तरह चबाने में मसरूफ थी। पिंकी को उसकी बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके बाजू और हाथ नीले हो गए। पिंकी ये देखकर खौफज़दा हो गई और उसने डर के मारे स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर पानी में वापस फेंक दिया। उसने फैसल की तरफ देखा कि वो कुछ करे, मगर फैसल खामोश खड़ा उसके जिस्म पे होने वाले तगैयर को देख रहा था। देखते ही देखते उसका सारा बदन गहरा नीला हो गया, वो अजीब सी मखलूक दिखाई देने लगी। पिंकी अपनी रंगत पर परेशान थी, मगर जब दूसरी तब्दीली उसके जिस्म में पैदा हुई तो उसकी चीखें निकल गईं। उसके बदन में हवा भरने लगी थी, वो फूलना शुरू हो गई थी, पिंडलियां और टांगे फूलकर बड़ी हो गई थी। अगले लम्हे में उसके बाजू में भी हवा भरने लगी। पिंकी अब बुरी तरह से रो रही थी, मगर फैसल कोई मदद करने पर आमादा नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर शायद उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी क्या मदद की जाए। शायद समुद्र पर पानी की लहरों के शोर के अलावा और कुछ नहीं था, ना कोई आदमी था ना ही कोई और बच्चा वहां पर मौजूद था। वो दोनों इस वक्त अकेले थे। जब पिंकी के पेट में हवा भरने लगी तो वह शदीद तकलीफ से चीखने लगी, पेट फूलता चला गया और उसका पेट बहुत बड़ा हो गया। पिंकी चीख रही थी, मगर वो खुद में भरने वाली हवा को रोक नहीं पा रही थी। ये हवा कहां से आ रही थी उसके जिस्म में, इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था और ना ही कोई जानता था। 20 मिनट बाद पिंकी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी, उसके जिस्म में हवा भर चुकी थी और वो बड़े गुब्बारे की मानंद दिखाई दे रही थी। उसकी टांगे चीर चुकी थी और पांव बड़े गुब्बारे के दाएं और बाएं किनारों पर दिखाई दे रहे थे। वो अपने कद से 10 गुना बड़े गुब्बारे नुमा गेंद में बदल चुकी थी। उसके बाजू और टांगे गेंद का हिस्सा बनकर गुम हो चुके थे। और कोई इसे इस हालत में देख लेता तो यकीनन उसे इंसान नहीं कहता, कोई और ही मखलूक समझता। हवा भरने का अमल रुका नहीं, मगर उसकी रफ्तार में कुछ कमी पैदा हो गई थी। फैसल कुछ तो करो, खुदा के लिए कुछ तो करो, पिंकी गिड़गिड़ाकर बोली। फैसल के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाया और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारी अब कोई मदद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तुम तनहा समुद्र पर खेलने आती हो और अपने वालदैन को धोखे में रखती हो। तुम जैसी नासमझ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पिंकी ने मिन्नत समाजत की, मगर फैसल ने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद वो हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ला इल्मी में मारी जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो असमझ मेरा ही था जिसे तुमने खाया था। उसे मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे पास फेंका था ताकि तुम उसे पाकर खा जाओ, और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहता। ये अस्पंज एक मखसूस केमिकल में भीगा हुआ था जो हरारत मिलने पर भारी मकदार में हवा पैदा करता है। इसे काम करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद हरारत काफी होती है, यही वजह है कि तुम्हारा जिस्म फूल कर कुप्पा हो गया है। फैसल तुम शायद मजाक कर रहे हो, बराए करम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ इतने दिनों से खेलती आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करोगे, पिंकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। हवा का दबाव बढ़ रहा था, पिंकी के अंग अंग में ठेसे उठ रही थी, वो बुरी तरह किरा रही थी। फैसल जिठाई के साथ हंसा, मैं मजाक नहीं किया करता, मुझे तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो अमली लड़का हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं कर गुजरता हूँ। आवारा फिरने वाली लड़कियों को गुब्बारे बनाकर फोड़ देना मेरा मशकला है, और हाँ ये भी सुन लो, गुब्बारे बनने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो, तुमसे पहले भी कई लड़कियों को मैंने गुब्बारा बनाकर उनके साथ खूब मजा किया और फिर उन्हें फोड़ दिया। फैसल ने इधर उधर का जायजा लिया, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने गुब्बारा बनी पिंकी को धक्का दिया। पिंकी लड़खड़ाती हुई कई कदम आगे चली गई, खौफ और दहशत से उसका चेहरा फटा फटा दिखाई दे रहा था। पिंकी अब इस हालत में नहीं थी कि कोई मजामत कर पाती, वो मुकम्मल तौर पर फैसल के रहम और करम पर थी। फैसल उसे लड़खड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया, वो उसे अपने पानी वाले तालाब के पास ले आया। पिंकी दहशत भरी नजरों से ये सब कुछ देख रही थी, मगर वो कुछ भी करने से कासर थी। फैसल उसे कभी एक तरफ लड़खड़ाता और कभी दूसरी तरफ, वो बिल्कुल बच्चों की मानंद गुब्बारे से खेलता रहा। ये बड़ा अजियतनाक वक्त था। पिंकी के जिस्म में हवा पैदा होने का अमल जारी था और उसका हुजम मजीद बढ़ रहा था। अगर ये अमल ना रुका तो वो यकीनन गुब्बारे की मानंद पड़ जाती, मौत उसकी निगाहों के सामने नाच रही थी। कुछ देर बाद फैसल के मन में जाने क्या आई कि उसने वाटर टैंक का पाइप निकाला और पिंकी के में ठोंस दिया। नल खुलते ही पानी धड़ाधड़ पिंकी के गुब्बारे नुमा जिस्म में भरने लगा।
पिंकी की आंखें तकलीफ से उबल आईं, फिर तकलीफ बढ़ती चली गई। पिंकी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका जेन माउफ होता चला गया। आखिर वही हुआ जिसके बारे में फैसल ने कहा था। पानी और हवा के दबाव से पिंकी का जिस्म चिथड़ों में बदल गया। वो मर चुकी थी। नीला गुब्बारा फट चुका था और पिंकी की मौत वाकया हो चुकी थी। उसके जिस्म के चिथड़े तालाब के किनारों पर बिखरे हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर फैसल ने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया। आज उसने नीला गुब्बारा बनाया था और फिर खेलकर उसे फोड़ दिया था। पिंकी बड़ी प्यारी लड़की थी। वो साहिल समुद्र के पास एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। उसकी उम्र 10 साल थी। उसका बाप एक सरकारी मुलाजम था। सुबह सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होता और दफ्तर के लिए निकल जाया करता, जबकि उसकी माँ करीबी स्कूल में पढ़ाती थी। पिंकी अपने वालदैन की अकलौती बेटी थी। वो अक्सर माँ बाप की गैर मौजूदगी में खेलने और नहाने के लिए समुद्र के साहिल पर आ जाती और समुद्र की लहरों से खूब लुत्फ अंदोज होती। वो माँ बाप की वापसी से पहले ही घर पहुँच जाती थी, इसलिए माँ बाप को पता ही ना चलता कि पिंकी साहिल समुद्र पर खेलने चली जाती है। ये चोरी छुपे खेल का सिलसिला बड़े अरसे से जारी था। अलबत्ता छुट्टी के दिनों में पिंकी घर में पड़े बेजार हो जाती थी। शायद यही वजह थी कि उसे छुट्टी वाले दिन अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उसने अपनी माँ को ये कहते सुना कि पिंकी को स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे कई क्लास से फलांग चुके होते हैं, मगर उसका बाप पुराने जमाने का आदमी था। उसने साफ अल्फाज में मना कर दिया था, हमारे यहाँ की बेटियाँ स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, तुम वक्त निकाल कर पिंकी को घर के काम काज सिखाया करो। उसकी माँ का एहतियाज कुछ काम नहीं आया। पिंकी को स्कूल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसकी तफरी बिल्कुल खत्म होकर रह जाती। उसने अपने बाप के फैसले पर खुशी का इजहार किया और खेल कूद में खूब दिल लगा लिया। पिंकी की जिंदगी में फैसल की आमद बड़ी खुशगवार साबित हुई। वो 12 साल का खामोश तबीयत लड़का था। वो अक्सर साहिल पर बैठा रेत के साथ खेलता हुआ दिखाई देता था, या फिर कभी कभार उसके हाथ में वीडियो गेम होती जिसके बटनों पर उसकी उंगलियां थरकती रहती थी। वो कभी कभी समुद्र की लहरों में खेलते हुए पिंकी का साथ देता तो पिंकी का मजा दुबाला हो जाता। पिंकी उसकी वीडियो गेम से अक्सर चिढ़ जाती थी, क्योंकि गेम खेलते हुए वो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। दूसरा, वो बड़ा अजीब सी गेम खेलता रहता था जिसमें मार धाड़ और कत्लो गारत वाली गेम जुर्माया होती थी। पिंकी उसके बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो करीब वाले फार्म हाउस में रहता है, जहाँ पर एक बड़ा नीला तालाब मौजूद था। उसने ना तो उसके माँ बाप को देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। दो दिनों की छुट्टी के बाद पिंकी जब साहिल पर पहुंची तो उसे फैसल एक चटाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो हाथ में कुछ लिए हुए था। पिंकी उसके करीब पहुंची तो उसने पूछा कि क्या खा रहा है। फैसल ने मुंह बसोर कर कहा, ये लड़कियों के खाने वाली चीज नहीं। पिंकी ने हंस कर कहा, मैंने तुमसे मांगी थोड़ी ही है, बस वैसे ही पूछा था। फैसल ने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर दिखाई तो उसमें एक स्पंज का फैट टुकड़ा दिखाई दिया। पिंकी को समझ नहीं आया भला इस स्पंज खाने से क्या मजा मिलता होगा। खैर, वो उसे स्पंज खाता छोड़कर समुद्र के पानी की तरफ बढ़ गई। वो धीमे धीमे आने वाली पानी की लहरों से खेलने लगी। अचानक उसे अपने पाँव के करीब कोई चीज सिरकती हुई महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर इस चीज को पकड़ा और पानी से बाहर निकाल कर देखा तो वो दंग रह गई। ये एक स्पंज का टुकड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने फैसल के हाथ में कुछ देर पहले देखा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फैसल अपनी चटाई पर बैठा वीडियो गेम खेलता हुआ दिखाई दिया। स्पंज का टुकड़ा हाथ में था और दिलो दिमाग में उसके जायके का तजस्सुस। उसने स्पंज का टुकड़ा मुंह के करीब किया और जबान लगाकर उसे चखा। वो हैरान रह गई। स्पंज का टुकड़ा शहद की तरह मीठा था। उसने पल के लिए सोचा कि फैसल यकीनन समुद्र में से ये टुकड़े निकालकर जमा करता होगा और फिर चटाई पर बैठकर उसको खाता होगा। उसने सोचे समझे बगैर स्पंज का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वो उसे चबाने लगी। स्पंज की मिठास उसकी हल्क से उतरती चली गई और पानी वाली लहरों में खेलने का मजा बढ़ता चला गया। अचानक फैसल उसके करीब पहुंच गया। उसने उसकी तरफ देखा कि पूछा, तुम क्या खा रही हो। पिंकी ने हंसकर स्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर उसे दिखाया। ये देखकर फैसल के चेहरे पर अजीब सी हालत हो गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं, तो फिर तुमने इसे क्यों खाया। फैसल ने नाराज होते हुए उसे कहा, ये कमाल का
मीठा है। पिंकी ने चटकारा लेते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारा चेला नीला होता जा रहा है। फैसल ने अचानक उसकी तरफ देखते हुए कहा। पिंकी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। अब तुम मुझे डराने के लिए मजाक पर उतर आए हो, पिंकी ने लापरवाही में बात टाल दी। फैसल ने झूठ नहीं कहा था, वाकई पिंकी का चेहरा नीले रंग का होने लगा था। उसके होंठ, गाल और थोड़ी गहरे नीले रंग की हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर रोगन कर दिया हो। नीली रंगत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और पिंकी उससे बेखबर अस्पंज का टुकड़ा चिंगम की तरह चबाने में मसरूफ थी। पिंकी को उसकी बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके बाजू और हाथ नीले हो गए। पिंकी ये देखकर खौफज़दा हो गई और उसने डर के मारे अस्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर पानी में वापस फेंक दिया। उसने फैसल की तरफ देखा कि वो कुछ करे, मगर फैसल खामोश खड़ा उसके जिस्म में होने वाले तगैर को देख रहा था। देखते ही देखते उसका सारा बदन गहरा नीला हो गया, वो अजीब सी मखलूक दिखाई देने लगी। पिंकी अपनी रंगत पर परेशान थी, मगर जब दूसरी तब्दीली उसके जिस्म में पैदा हुई तो उसकी चीखें निकल गईं। उसके बदन में हवा भरने लगी थी, वो फूलना शुरू हो गई थी, पिंडलियां और टांगे फूलकर बड़ी हो गई थी। अगले लम्हे में उसके बाजू में भी हवा भरने लगी। पिंकी अब बुरी तरह से रो रही थी, मगर फैसल कोई मदद करने पर आमादा नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर शायद उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी क्या मदद की जाए। शायद समुद्र पर पानी की लहरों के शोर के अलावा और कुछ नहीं था, ना कोई आदमी था, ना ही कोई और बच्चा वहां पर मौजूद था। वो दोनों इस वक्त अकेले थे। जब पिंकी के पेट में हवा भरने लगी तो वह शदीद तकलीफ से चीखने लगी, पेट फूलता चला गया और उसका पेट बहुत बड़ा हो गया। पिंकी चीख रही थी, मगर वो खुद में भरने वाली हवा को रोक नहीं पा रही थी। ये हवा कहां से आ रही थी उसके जिस्म में, इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था और ना ही कोई जानता था। 20 मिनट बाद पिंकी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी, उसके जिस्म में हवा भर चुकी थी और वो बड़े गुब्बारे की मानंद दिखाई दे रही थी। उसकी टांगे चीर चुकी थी और पांव बड़े गुब्बारे के दाएं और बाएं किनारों पर दिखाई दे रहे थे। वो अपने कद से 10 गुना बड़े गुब्बारे नुमा गेंद में बदल चुकी थी। उसके बाजू और टांगे गेंद का हिस्सा बनकर गुम हो चुके थे। और कोई इसे इस हालत में देख लेता तो यकीनन उसे इंसान नहीं कहता, कोई और ही मखलूक समझता। हवा भरने का अमल रुका नहीं, मगर उसकी रफ्तार में कुछ कमी पैदा हो गई थी। फैसल कुछ तो करो, खुदा के लिए कुछ तो करो, पिंकी गिड़गिड़ाकर बोली। फैसल के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाया और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारी अब कोई मदद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तुम तनहा समुद्र पर खेलने आती हो और अपने वालदैन को धोखे में रखती हो। तुम जैसी नासमझ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पिंकी ने मिन्नत समाजत की, मगर फैसल ने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद वो हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ला इल्मी में मारी जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो असमझ मेरा ही था जिसे तुमने खाया था। उसे मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे पास फेंका था ताकि तुम उसे पाकर खा जाओ, और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहता। ये असफंज एक मखसूस केमिकल में भीगा हुआ था जो हरारत मिलने पर भारी मकदार में हवा पैदा करता है। इसे काम करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद हरारत काफी होती है, यही वजह है कि तुम्हारा जिस्म फूल कर कुप्पा हो गया है। फैसल, तुम शायद मजाक कर रहे हो, बराए करम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ इतने दिनों से खेलती आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करोगे, पिंकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। हवा का दबाव बढ़ रहा था, पिंकी के अंग अंग में ठेसे उठ रही थी, वो बुरी तरह किरा रही थी। फैसल जिठाई के साथ हंसा, मैं मजाक नहीं किया करता, मुझे तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो अमली लड़का हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं कर गुजरता हूँ। आवारा फिरने वाली लड़कियों को गुब्बारे बनाकर फोड़ देना मेरा मशकला है, और हाँ ये भी सुन लो, गुब्बारे बनने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो, तुमसे पहले भी कई लड़कियों को मैंने गुब्बारा बनाकर उनके साथ खूब मजा किया और फिर उन्हें फोड़ दिया। फैसल ने इधर उधर का जायजा लिया, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने गुब्बारा बनी पिंकी को धक्का दिया। पिंकी लड़खड़ाती हुई कई कदम आगे चली गई, खौफ और दहशत से उसका चेहरा फटा फटा दिखाई दे रहा था। पिंकी अब इस हालत में नहीं थी कि कोई मजामत कर पाती, वो मुकम्मल तौर पर फैसल के रहम और करम पर थी। फैसल उसे लड़काता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया, वो उसे अपने पानी वाले तालाब के पास ले आया।
पिंकी दहशत भरी नजरों से ये सब कुछ देख रही थी, मगर वो कुछ भी करने से कासरती। फैसल उसे कभी एक तरफ लड़खड़ाता और कभी दूसरी तरफ, वो बिल्कुल बच्चों की मानंद गुब्बारे से खेलता रहा। ये बड़ा अजीतनाक वक्त था। पिंकी के जिस्म में हवा पैदा होने का अमल जारी था और उसका हुजम मजीद बढ़ रहा था। अगर ये अमल ना रुका तो वो यकीनन गुब्बारे की मानंद फट जाती। मौत उसकी निगाहों के सामने नाच रही थी। कुछ देर बाद फैसल के मन में जाने क्या आई कि उसने वाटर टैंक का पाइप निकाला और पिंकी के मुंह में ठोंस दिया। नल खोलते ही पानी धड़ाधड़ पिंकी के गुब्बारे नमा जिस्म में भरने लगा। पिंकी की आंखें तकलीफ से उबल आईं, फिर तकलीफ बढ़ती चली गई। पिंकी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका जेन माउफ होता चला गया। आखिर वही हुआ जिसके बारे में फैसल ने कहा था। पानी और हवा के दबाव से पिंकी का जिस्म चिथड़ों में बदल गया। वो मर चुकी थी। नीला गुब्बारा फट चुका था और पिंकी की मौत वाकया हो चुकी थी। उसके जिस्म के चिथड़े तालाब के किनारों पर बिखरे हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर फैसल ने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया। आज उसने नीला गुब्बारा बनाया था और फिर खेलकर उसे फोड़ दिया था। पिंकी बड़ी प्यारी लड़की थी। वो साहिल समुंदर के पास एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। उसकी उम्र 10 साल थी। उसका बाप एक सरकारी मुलाजम था। सुबह सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होता और दफ्तर के लिए निकल जाया करता, जबकि उसकी माँ करीबी स्कूल में पढ़ाती थी। पिंकी अपने वालदैन की अकलौती बेटी थी। वो अक्सर माँ बाप की गैर मौजूदगी में खेलने और नहाने के लिए समुंदर के साहिल पर आ जाती और समुंदर की लहरों से खूब लुत्फ अंदोज होती। वो माँ बाप की वापसी से पहले ही घर पहुँच जाती थी, इसलिए माँ बाप को पता ही ना चलता कि पिंकी साहिल समुंदर पर खेलने चली जाती है। ये चोरी छुपे खेल का सिलसिला बड़े अरसे से जारी था। अलबत्ता छुट्टी के दिनों में पिंकी घर में पड़े बेजार हो जाती थी। शायद यही वजह थी कि उसे छुट्टी वाले दिन अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उसने अपनी माँ को ये कहते सुना कि पिंकी को स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे कई क्लासें फलांग चुके होते हैं, मगर उसका बाप पुराने जमाने का आदमी था। उसने साफ अल्फाज में मना कर दिया था, हमारे यहाँ की बेटियाँ स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, तुम वक्त निकाल कर पिंकी को घर के काम काज सिखाया करो। उसकी माँ का एहतियाज कुछ काम नहीं आया। पिंकी को स्कूल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसकी तफरी बिल्कुल खत्म होकर रह जाती। उसने अपने बाप के फैसले पर खुशी का इजहार किया और खेल कूद में खूब दिल लगा लिया। पिंकी की जिंदगी में फैसल की आमद बड़ी खुशगवार साबित हुई। वो 12 साल का खामोश तबीयत लड़का था। वो अक्सर साहिल पर बैठा रेत के साथ खेलता हुआ दिखाई देता था, या फिर कभी कभार उसके हाथ में वीडियो गेम होती जिसके बटनों पर उसकी उंगलियां थरकती रहती थी। वो कभी कभी समुद्र की लहरों में खेलते हुए पिंकी का साथ देता तो पिंकी का मजा दुबाला हो जाता। पिंकी उसकी वीडियो गेम से अक्सर चिढ़ जाती थी, क्योंकि गेम खेलते हुए वो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। दूसरा, वो बड़ा अजीब सी गेम खेलता रहता था जिसमें मार धाड़ और कत्लो गारत वाली गेम जुर्माया होती थी। पिंकी उसके बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो करीब वाले फार्म हाउस में रहता है, जहाँ पर एक बड़ा नीला तालाब मौजूद था। उसने ना तो उसके माँ बाप को देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। दो दिनों की छुट्टी के बाद पिंकी जब साहिल पर पहुंची तो उसे फैसल एक चटाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो हाथ में कुछ लिए हुए था। पिंकी उसके करीब पहुंची तो उसने पूछा कि क्या खा रहा है। फैसल ने मुंह बसोर कर कहा, ये लड़कियों के खाने वाली चीज नहीं। पिंकी ने हंस कर कहा, मैंने तुमसे मांगी थोड़ी ही है, बस वैसे ही पूछा था। फैसल ने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर दिखाई तो उसमें एक स्पंज का फैट टुकड़ा दिखाई दिया। पिंकी को समझ नहीं आया भला इस स्पंज खाने से क्या मजा मिलता होगा। खैर, वो उसे स्पंज खाता छोड़कर समुद्र के पानी की तरफ बढ़ गई। वो धीमे धीमे आने वाली पानी की लहरों से खेलने लगी। अचानक उसे अपने पाँव के करीब कोई चीज सिरकती हुई महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर इस चीज को पकड़ा और पानी से बाहर निकाल कर देखा तो वो दंग रह गई। ये एक स्पंज का टुकड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने फैसल के हाथ में कुछ देर पहले देखा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फैसल अपनी चटाई पर बैठा वीडियो
गेम खेलता हुआ दिखाई दिया। अस्पंज का टुकड़ा हाथ में था और दिलो दबाव में उसके जायके का तजस्सुस। उसने अस्पंज का टुकड़ा मुंह के करीब किया और जबान लगाकर उसे चखा। वो हैरान रह गई। अस्पंज का टुकड़ा शहद की तरह मीठा था। उसने पल के लिए सोचा कि फैसल यकीनन समुद्र में से ये टुकड़े निकालकर जमा करता होगा और फिर चटाई पर बैठकर उसको खाता होगा। उसने सोचे समझे बगैर अस्पंज का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वो उसे चबाने लगी। अस्पंज की मिठास उसकी हल्क से उतरती चली गई और पानी वाली लहरों में खेलने का मजा बढ़ता चला गया। अचानक फैसल उसके करीब पहुंच गया। उसने उसकी तरफ देखा कि पूछा, तुम क्या खा रही हो? पिक्की ने हंसकर अस्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर उसे दिखाया। ये देखकर फैसल के चेहरे पर अजीब सी हालत हो गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं, तो फिर तुमने इसे क्यों खाया? फैसल ने नाराज होते हुए उसे कहा, ये कमाल का मीठा है। पिंकी ने चटकारा लेते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारा चेला नीला होता जा रहा है। फैसल ने अचानक उसकी तरफ देखते हुए कहा। पिंकी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। अब तुम मुझे डराने के लिए मजाक पर उतर आए हो, पिंकी ने लापरवाही में बात टाल दी। फैसल ने झूठ नहीं कहा था। वाकई पिंकी का चेहरा नीले रंग का होने लगा था। उसके होंठ, गाल और थोड़ी गहरे नीले रंग की हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर रोगन कर दिया हो। नीली रंगत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और पिंकी उससे बेखबर अस्पंज का टुकड़ा चिंगम की तरह चबाने में मसरूफ थी। पिंकी को उसकी बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके बाजू और हाथ नीले हो गए। पिंकी यह देखकर खौफजदा हो गई और उसने डर के मारे अस्पंज का टुकड़ा मुंह से निकालकर पानी में वापस फेंक दिया। उसने फैसल की तरफ देखा कि वो कुछ करे, मगर फैसल खामोश खड़ा उसके जिस्म में होने वाले तगैयर को देख रहा था। देखते ही देखते उसका सारा बदन गहरा नीला हो गया। वो अजीब सी मखलूक दिखाई देने लगी। पिंकी अपनी रंगत पर परेशान थी, मगर जब दूसरी तब्दीली उसके जिस्म में पैदा हुई तो उसकी चीखें निकल गईं। उसके बदन में हवा भरने लगी थी। वो फूलना शुरू हो गई थी। पिंडलियां और टांगे फूलकर बड़ी हो गई थी। अगले लम्हे में उसके बाजू में भी हवा भरने लगी। पिंकी अब बुरी तरह से रो रही थी, मगर फैसल कोई मदद करने पर आमादा नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर शायद उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी क्या मदद की जाए। शायद समुद्र पर पानी की लहरों के शोर के अलावा और कुछ नहीं था। ना कोई आदमी था, ना ही कोई और बच्चा वहां पर मौजूद था। वो दोनों इस वक्त अकेले थे। जब पिंकी के पेट में हवा भरने लगी तो वह शदीद तकलीफ से चीखने लगी। पेट फूलता चला गया और उसका पेट बहुत बड़ा हो गया। पिंकी चीख रही थी, मगर वो खुद में भरने वाली हवा को रोक नहीं पा रही थी। ये हवा कहां से आ रही थी उसके जिस्म में, इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था और ना ही कोई जानता था। 20 मिनट बाद पिंकी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। उसके जिस्म में हवा भर चुकी थी और वो बड़े गुब्बारे की मानंद दिखाई दे रही थी। उसकी टांगे चीर चुकी थी और पांव बड़े गुब्बारे के दाएं और बाएं किनारों पर दिखाई दे रहे थे। वो अपने कद से 10 गुना बड़े गुब्बारे नुमा गेंद में बदल चुकी थी। उसके बाजू और टांगे गेंद का हिस्सा बनकर गुम हो चुके थे। और कोई इसे इस हालत में देख लेता तो यकीनन उसे इंसान नहीं कहता, कोई और ही मखलूक समझता। हवा भरने का अमल रुका नहीं, मगर उसकी रफ्तार में कुछ कमी पैदा हो गई थी। फैसल कुछ तो करो, खुदा के लिए कुछ तो करो, पिंकी गिड़गिड़ाकर बोली। फैसल के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाया और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारी अब कोई मदद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तुम तनहा समुद्र पर खेलने आती हो और अपने वालदैन को धोखे में रखती हो। तुम जैसी नासमझ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पिंकी ने मिन्नत समाजत की, मगर फैसल ने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद वो हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ला इल्मी में मारी जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो अस्पंज मेरा ही था जिसे तुमने खाया था। उसे मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे पास फेंका था ताकि तुम उसे पाकर खा जाओ, और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहता। ये अस्पंज एक मखसूस केमिकल में भीगा हुआ था जो हरारत मिलने पर भारी मकदार में हवा पैदा करता है। इसे काम करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद हरारत काफी होती है। यही वजह है कि तुम्हारा जिस्म फूलकर कुप्पा हो गया है। फैसल, तुम शायद मजाक कर रहे हो, बराए करम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ इतने दिनों से खेलती आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करोगे? पिंकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। हवा का दबाव बढ़ रहा था। पिंकी के अंग अंग में ठेसे उठ रही थी। वो बुरी तरह किरा रही थी। फैसल जिठाई के साथ हंसा, मैं मजाक नहीं किया करता, मुझे तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो अमली लड़का हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं कर गुजरता हूँ। आवारा फिरने वाली लड़कियों को गुब्बारे बनाकर फोड़ देना मेरा मशकला है। और हाँ, ये भी सुन लो, गुब्बारे बनने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो।
तुमसे पहले भी कई लड़कियों को मैंने हवाना बनाकर उनके साथ खूब मजा किया और फिर उन्हें फोड़ दिया। फैसल ने इधर उधर का जायजा लिया, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने गुब्बारा बनी पिंकी को धक्का दिया। पिंकी लड़खड़ाती हुई कई कदम आगे चली गई। खौफ और दहशत से उसका चेहरा फटा फटा दिखाई दे रहा था। पिंकी अब इस हालत में नहीं थी कि कोई मजामत कर पाती, वो मुकम्मल तौर पर फैसल के रहम और करम पर थी। फैसल उसे लड़काता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। वो उसे अपने पानी वाले तालाब के पास ले आया। पिंकी दहशत भरी नजरों से ये सब कुछ देख रही थी, मगर वो कुछ भी करने से कासर थी। फैसल उसे कभी एक तरफ लड़खड़ाता और कभी दूसरी तरफ, वो बिल्कुल बच्चों की मानंद गुब्बारे से खेलता रहा। ये बड़ा अजीतनाक वक्त था। पिंकी के जिस्म में हवा पैदा होने का अमल जारी था और उसका हुजम मजीद बढ़ रहा था। अगर ये अमल ना रुका तो वो यकीनन गुब्बारे की मानंद फट जाती। मौत उसकी निगाहों के सामने नाच रही थी। कुछ देर बाद फैसल के मन में जाने क्या आई कि उसने वाटर टैंक का पाइप निकाला और पिंकी के में ठोंस दिया। नल खोलते ही पानी धड़ाधड़ पिंकी के गुब्बारे नमा जिस्म में भरने लगा। पिंकी की आंखें तकलीफ से उबल आईं, फिर तकलीफ बढ़ती चली गई। पिंकी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका ज़हन माऊफ होता चला गया। आखिर वही हुआ जिसके बारे में फैसल ने कहा था। पानी और हवा के दबाव से पिंकी का जिस्म चिथड़ों में बदल गया। वो मर चुकी थी। नीला गुब्बारा फट चुका था और पिंकी की मौत वाकिया हो चुकी थी। उसके जिस्म के चिथड़े तालाब के किनारों पर बिखरे हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर फैसल ने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया। आज उसने नीला गुब्बारा बनाया था और फिर खेलकर उसे फोड़ दिया था।